संयुक्त परिवार में बच्चों को कोई एक नहीं पालता, सब अपने अपनी परवरिश अपने अपने संस्कार की थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिलाकर उस घड़े को ढालते हैं। लेकिन ये भी सच है कि चाहे जितनी भी परवरिश जितना भी प्यार कोई दे, लेकिन जितना प्यार उसकी माँ उसे दे सकती है उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जितना प्यार आपने आपके ईशान को दिया होगा उतना प्यार कोई कहाँ दे पाएगा उसे। सॉरी। तेरी ईशा मैम ऐसे रोते रोते क्यों गई? वो सब मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगी। आपकी आजोबा को वार्डरूम में शिफ्ट किया है। चलिए आजोबा को शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में। आइए सर। आइए सर। हेलो सर, मैम कहाँ है? आज उनका बर्थडे है ना, कहाँ है? उन्हें बुलाइए ना प्लीज। कमरे में है, लो फील कर रही है। लो फील कर रही है बर्थडे के दिन? कोई बात नहीं, मैं मिलती हूँ उनसे, एक मिनट में उनका मूड ठीक हो जाएगा। आपको पता है हमारा ट्रेडिशन बन गया, हर बर्थडे पे हम बहुत एंजॉय करते हैं। मैं तो जाऊँ मैम के पास। हाँ, लेकिन सभी बस ध्यान रखना कि आज अगर तुम अपनी मैम के चेहरे पे मुस्कान नहीं ला पाए तो बस अपना दिल छोटा मत करना। चल आ जाओ। हैप्पी बर्थडे मैम। ईशा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईशा, प्लीज, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी है ना, तो जाने दो ना प्लीज। कम ऑन यार, आज तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज मूड खराब मत करो प्लीज। तुम समझ भी नहीं सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है शंतन। परसों से अपने आप को यही दिलासा दे रही थी कि मैं और ईशु एक दूसरे से दूर इसलिए हैं क्योंकि शायद हमारे दिलों में दूरियां हैं, पर अब खुद को ये दिलासा भी नहीं दे सकती ना मैं, क्योंकि मैं जान चुकी कि मेरा ईशु मुझसे बस नफरत नहीं करता, वो तो मुझे अपनी आई तक नहीं मानता। उसे लगता है कि उसे अपनी पहचान, उसकी पूरी परवरिश, उसके पास जो भी है वो सब अक्का साहब ने दिया है। अक्का साहब को अपनी आई मानता है। वो सभी की आज मेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन उनकी हर एक बात मेरे दिल को चीर रही थी। उनकी बातों से मुझे पता चला कि मैंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ खोया है, और अपने बच्चे को लेकर जो खोया है वो कभी मैं पा भी नहीं सकती। बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, उसके पास रहना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। क्या बर्थडे, कोई खुशी नहीं है मेरे लिए, मेरा बर्थडे मेरे लिए कभी हैप्पी नहीं हो सकता।